हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आलू 65 की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। इसे हम 3 से 4 स्टेप में तैयार कर लेते हैं। इसे आलू को छिलके बॉयल कर लेना है। दूसरे स्टेप में हम इसमें कॉर्नफ्लोर और मसाला नमक ऐड करेंगे। तीसरा स्टेप फ्राई करना है और चौथे में ग्रेवी तैयार करके फाइनली अपने 65 तैयार हो जाता है। तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए। अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। सबसे पहले हम गैस पे पानी उबालने के लिए रखेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, पानी में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक और नमक को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने आलू को ऐसे पीसेस काट लिए हैं। आप ध्यान से देखिए, हमने मीडियम साइज के पीस काट रखे हैं और इसे हम 2 से 3 बार धो लिए हैं, जिससे इसका स्टार्च जो है वो निकल गया है। अब हम इसे पानी में डाल देंगे उबलने के लिए और इसे हम 4 से 5 मिनट तक तेज फ्लेम पे उबालेंगे। हमें आलू को 50% ही उबालना है। आलू को हमें 50% ही उबालना है। आलू को हमने 5 मिनट उबाल लिया है तेज फ्लेम पे। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और एक स्ट्रेनर से आलू को ऐसे निकाल लेंगे। ऐसे हम पानी को करके एक बोल में निकाल लेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करें। अब हम इसी आलू में डालेंगे 1 चम्मच ब्लैक पेपर, 1 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर। हमने आलू उबालने में नमक डाला था, इसके लिए हम 1/4 चम्मच नमक डालेंगे। और अब हम इसमें 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। और इसे हम अच्छे से ऐसे टॉस कर लेंगे। इससे क्या होगा, आलू में जो मॉइस्चर है उसमें अपना कॉर्नफ्लोर मिर्च अच्छे से लिपट जाएगा। अगर आपको जरूरत पड़े तो 1 से 2 चम्मच पानी डाल सकते हैं, लेकिन जरूरत के लायक इसमें मॉइस्चर रहती है, उतने में अपनी कॉर्नफ्लोर लिपट जाती है। तो हमने इसे अच्छे से कोट कर लिया है। अब हम 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। तो हमने 10 मिनट तक इसे आलू को ठंडा कर लिया है। अब हम एक एक आलू को ऐसे छलनी में भर लेंगे। और हम गैस की तरफ चलेंगे। गैस पे हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल बहुत ही बढ़िया गर्म हो चुका है। अब हम उसमें ये झड़ने वाली आलू को धीरे से छोड़ देंगे और अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो एक साइड से फ्राई होने के बाद हम उसको उलट लेंगे। अब हम इसे चलाते हुए अच्छे से फ्राई करेंगे। जब तक ये क्रिस्पी होगा तब तक हम फ्राई करेंगे। हमने आलू को 50% उबाल लिया था, 50% हमें तेल में फ्राई करना है। हमने आलू को चलाते हुए ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अब हम इसे एक प्लेट पे टिश्यू पेपर रख के निकाल लेंगे। तो ऐसे हम इसको झड़नी से झाड़ के और प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए कितना क्रंची हुआ है, आवाज आ रहा है। और सेम प्रोसेस से हम दूसरे भी आलू को फ्राई कर लेंगे। हमने चलाते हुए दूसरे बैच को भी फ्राई कर लिया है। इसका भी कलर
अच्छा सा हो गया है। अब हम इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से बन जाता है और खाने में तो टेस्टी होता ही है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करेंगे। अब हम गैस पे एक फ्राई पैन रखे हैं और उसमें हम 2 टेबल स्पून तेल डाले हैं। अब हम गैस को ऑन कर लेंगे और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। तो ये 2 चम्मच हमने लहसुन काट रखा है और इसे हम कुछ सेकंड के लिए ऐसे फ्राई कर लेंगे। हमें इसे ब्राउन नहीं होने देना है। अब साथ में हम डालेंगे 1 बड़ा हुआ प्याज, जिसे हमने बारीक काट लिया है, और प्याज के साथ हम इसे भी 1/2 मिनट तक भूनेंगे। प्याज के साथ ही हम डालेंगे कुछ कड़ी पत्ता और यहाँ पे हम 2 होल रेड चिली डालेंगे और सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक, आप टेस्ट के अनुसार डालिए। यहाँ पे हम 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, 1/2 चम्मच गरम मसाला और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुछ सेकंड के लिए हमें मिक्स करना है, नहीं तो मिक्स जलने लगता है। अब हम इसमें डालेंगे दही, तो यहाँ पे 1 छोटा कटोरी हम दही डालेंगे और इसे अच्छे से हम भूनेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, अपनी ग्रेवी जो है गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे रेड फूड कलर, ये ऑप्शनल है, ये तो मार्केट में बेचने वाले डालते हैं या कलर बढ़िया आए उसके लिए डाला जाता है। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 1 पिंच रेड फूड कलर डाल रहे हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना सुंदर कलर आया है। अब हम इसमें डालेंगे आलू, जिसे हमने फ्राई किया था, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। गैस के फ्लेम को हम ऑफ कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, अपनी आलू 65 बनकर तैयार है। इसका कितना प्यारा कलर आया है और इसकी खुशबू तो घर में फैल गई है। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो अब हम एक सर्विंग बाउल लेंगे और इसमें सर्व करेंगे। आलू 65 बनकर तैयार है, इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा, ये खाने में बहुत ही जबरदस्त लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी आलू 65 की रेसिपी आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।